पीलीभीत में ढकियानाथ गांव में एसडीआरएफ ने 6 फंसे हुए लोगों का रेस्क्यू कर उनको सुरक्षित जगह भेज दिया। मोहल्ला बेनी चौधरी में भी 3 लोगों को रेस्क्यू किया गया। एसडीएम सदर और तहसीलदार मौके पर मौजूद रहे। बाढ़ के पानी से पीलीभीत बरेली रेलवे ट्रैक को भारी नुकसान हुआ है, जिससे पीलीभीत बरेली रूट पर ट्रेनों का संचालन बंद कर दिया गया। बरेली हाईवे पर भी 1 से 2 फीट तक पानी भरा है। पीलीभीत टनकपुर सड़क मार्ग भी बंद है। और बात करें लखीमपुर खीरी की, तो वहां जाने वाली सड़क की, तो ये सड़क भी कट चुकी है, रास्ता बंद है। रेलवे की पुलिया बह जाने के कारण अब रेलवे मार्ग बंद है। और आगरा में कुछ ही घंटे की बारिश में सड़कों पर सैलाब बहने लग गया। शहर में जगह जगह जलजमाव हो गया। लोगों के घरों में भी गंदा पानी घुस गया है। जलजमाव की वजह से लोगों को गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। जल भराव में कई गाड़ियां चलते चलते अचानक से बंद भी हो रही हैं। चित्रकूट में जहां बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं, तो कई लोग जान जोखिम में डालकर तुलसी वाटरफॉल के पास पिकनिक मनाते दिख रहे हैं। सैकड़ों फीट नीचे जाकर लोग सेल्फी लेते नजर आ रहे हैं। ऐसे में अगर अचानक नदी का जलस्तर बढ़ता है तो कई लोगों की जान पर बना सकती है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये लोग प्रशासन की चेतावनी के बाद भी मान नहीं रहे। ये पिकनिक जोखिम भरी हो सकती है, अचानक जलस्तर बढ़ने से लोगों की जान पे बना सकती है। नहीं, बारिश होगी तो जलस्तर बढ़ेगा इसका। और पहले सब कितना बढ़ा है? पहले से तो अभी बहुत कम है, अभी तो बहुत कम है। अभी तो इसके बाद और बढ़ेगा, जब जितनी बारिश होगी उतना हाई फाई बढ़ेगा। अच्छा, जिस तरीके से नीचे लोग खाना पका रहे हैं, लोग घूम रहे हैं, तो डर नहीं लग रहा है कि अचानक पानी बढ़ जाएगा, कैसे बचेंगे? नहीं नहीं, डर नहीं लगता है। आदमी बहुत लोग रहते हैं तो कोई डर नहीं है। तो पानी जो अभी निकल रहा है इसमें, इससे ऊपर से गिरने में लगेगा कि बहुत तेज आ रहा है, लेकिन इधर समझ में नहीं आएगा, सब इधर ही निकल जाता है। और बस्ती में घाघरा नदी के तेजी से बढ़ रहे जलस्तर ने लोगों की नींद उड़ा दी है। नदी खतरे के निशान से 0.38 मीटर नीचे बह रही है। बाढ़ से निपटने के लिए डीएम रवीश कुमार और विधायक दूधराम ने बंधे का निरीक्षण किया। और विधायक दूधराम ने कहा है कि बंधों पर जहां पर कट है उसको तुरंत ठीक कराने का आदेश दिया है। बाढ़ चौकियों को अलर्ट कर दिया गया है। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है।